इसकी कमर बहुत पतली है, इसलिए कॉटन के दुपट्टे को इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है और इस दुपट्टे को कमर पर लपेट लेना है। दुपट्टे को कमर पर लपेटने के बाद एक रस्सी से टाइट से बांध लिया है। अब हमें ये जो रिंग है इसका नाप लेना है। ये आ रहा है 27 इंच, 27 इंच। पल्लू वाला भाग है, इसे अपनी ओर ले लेना है। और ये साड़ी का अंदर वाला भाग। अब ये वाली जो बॉर्डर है ये पैर की ओर की बॉर्डर है और ये वाली बॉर्डर कमर की ओर की है। अब जो पैर वाली बॉर्डर है उसका हमें नाप लेना है। महालक्ष्मी की जो पैरों की पास की जो रिंग होती है बड़ी सी, उसका नाप है 28 इंच, 28 इंच। तो यहाँ पे 30 इंच मैं छोड़ देती हूँ, 2 इंच ज़्यादा ही छोड़ देना चाहिए। अब ये वाला भाग इस तरह से है, इसके आगे 2 से 3 इंच इस तरह से हमने रखा और इस तरह से बॉर्डर को फोल्ड किया। कहाँ पे कोई भी एक निशान ले लेना चाहिए हमें, ऊपर से ये वाला निशान मैं ले रही हूँ, ये वाली लाइन। इस तरह से मैंने ये लाइन ली और इसको हमने कहाँ तक फोल्ड किया, ये जो निशान हमने पकड़ा था 30 इंच वाला, इस तरह से ये फोल्ड कर दिया। अब इसे सीधा कर लेना है। इसके बाद फिर से यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है। अब एक उंगल, केवल एक उंगल ज़्यादा लेना है और यहाँ से एक उंगल कम। इस तरह से ये वाली लाइन हमने ध्यान में रखी है, तो इस तरह से ये हमने फोल्ड कर दिया और फिर इसे भी सीधा कर लेना है। इस तरह से फिर से हमें यहाँ से एक उंगल ज़्यादा लेना है। यूँ हमने अंगूठा रखा और इसे इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ से एक उंगल कम। ये वाली लाइन हमने ध्यान में रखी है बॉर्डर की, यहीं पर रखना है लेकिन एक उंगल यहाँ से छोड़ते जाना है और इसे फिर से सीधा कर लेना है। अब यदि चाहें तो यहाँ पे पिने भी लगाई जा सकती है ताकि ये सरके नहीं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहना चाहिए। अब यहाँ से अंगूठा इस तरह से हमने रखा ताकि हिले नहीं और फिर इस तरह से फिर से हमने प्लीट ले ली। अब ये जो प्लीट ली है यहाँ पे मैं पहले पिन लगा लेती हूँ और हमें कमर से पैर तक की लंबाई का नाप ले लेना है कि जितनी भी लंबाई हो, कमर से पैर तक की लंबाई है 22 इंच, 22 इंच, तो हमें नाप लेना है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये हो रहा है 22, तो हमें 24 तक ले लेना है। तो ये वाली प्लीट हम खोल देंगे, यहाँ तक ये काफ़ी हो गया है। पिन को यहाँ पे लगा लेना है और सारी प्लेट में हमें पिन लगा लेनी है। बॉर्डर को उठाया और यहाँ पे पिन लगानी है। इसी तरह ये वाली बॉर्डर के नीचे यहाँ पर। अब यहाँ पिन लगानी है, यहाँ यहाँ, यानी हर बॉर्डर के पीछे की ओर हमने पिन लगा ली है। और ये इसके साथ में पीछे वाली प्लेट भी आ जानी चाहिए, इससे ये प्लेट सरकती नहीं है और बिल्कुल व्यवस्थित बनी रहती है। अब बॉर्डर जहाँ पे ख़त्म होने को आई है वहाँ पर हमने पिन लगाई है, यहाँ पे नहीं लगाई है। और ये वाली पिन अभी मैंने ऊपर ही लगा ली है, इससे कुछ दूरी पर एक ऊपर की ओर मैंने पिन लगा ली है। और अब जो सबसे नीचे वाला भाग है ये, है ना, ये सारी प्लेट हमने उठा ली और सबसे नीचे वाला भाग है। इस बॉर्डर को लेकर यहाँ से पकड़ कर हमें यहाँ पर, यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। यूँ, यानी बॉर्डर को ये इस तरह से रखना है, इस तरह से नहीं रखना, इस तरह से आ जाना चाहिए बॉर्डर। और अब पिन लगा लेनी है। अब हम पल्लू को भी रेडी कर लेंगे। पल्लू में पिन लगा लेने के बाद अब हम फिर से प्लीट की ओर चलेंगे। तो ये प्लीट वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा जो हमने इस तरह से अंदर की ओर का लिया हुआ था, इसे पीछे की ओर ये थोड़ा सा फोल्ड कर देना है, यानी कमर से पैर तक की जितनी लंबाई है उतना रहने देना है और बाकी का बॉर्डर पीछे की ओर मैंने फोल्ड कर दिया है। ये साड़ी के अंदर वाला हिस्सा और पिन लगा ली है। अब ये जो प्लीट वाला भाग है ये ऊपर की ओर जो बॉर्डर गया है इसे अब
पीछे की ओर ले जाना है और यहाँ पर भी एक पिन लगा लेनी है। इसके बाद इस बॉर्डर को करीब आधे तक, यानी ये जितनी भी लंबी प्लीट है करीब आधे तक मैंने इस तरह से इसे ले लिया है और यूं। अब यहाँ पर इसे पिन लगा के फिक्स कर लेना है। नीचे की प्लीट से हम पिन लगाएंगे। इसके बाद अब जो ऊपर वाला बॉर्डर है पल्लू का, ये वाला भाग, अब इस तरह हम इसकी भी चिमटियाँ बना लेंगे। और ये वाला बॉर्डर जो है इस भाग पर, ये जो कमर का भाग है ना, इस भाग तक इस तरह हमें ले लेना है प्लीट बनाते हुए। यहाँ पर भी पिन लगा लेनी है। तो अब ये पल्लू इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये पूरा पल्लू है और ये भाग एक्स्ट्रा है और ये रही प्लीट, और प्लीट के आधे तक लगभग ये पल्लू आ गया है। और ये अंदर वाला भाग है साड़ी का, और ये भाग हमने इतना रखा जितना हमें चाहिए, साड़ी की कमर से पैर तक जितनी लंबाई है, और बाकी का पल्लू पीछे की ओर, ये पल्लू नहीं है, बाकी की साड़ी पीछे की ओर फिक्स कर दी है, पिन लगा ली है। अब ये जो प्लीट वाला भाग है इसे हमने यूँ रखा, यहाँ पे नाड़ी लगा दी, और ये जो हमने पिन लगाई पीछे की ओर कपड़ा फोल्ड किया ना हमने, इसमें से इसे यूँ पिरो लेना है। और ये जो पिन लगाई है इसे खोलकर नाड़ी को इस ओर ले लेना है और फिर नीचे की ओर थोड़ी सी पिन लगा लेनी है ताकि नाड़ी यूँ फ्री रहे। इस तरह से हमने ये वाला जो भाग है इसे कमर की ओर ले लिया और यूँ पहले इसे बांध देना है। ये वाला जो भाग है पीछे की ओर चला जाएगा। अब पहले कपड़े में मैंने पिन लगा ली है, जो हमने कमर में कपड़ा बांधा था उसके साथ ही पिन लग जाती है। और इसके बाद ये जो नाड़ी है इसे अच्छी तरह से मैंने टाइट खींच कर इस ओर से ले लिया है। और अब पीछे की ओर इसे बांध लेना है। और अब पल्लू को सेट कर लेना है। अब ये शाही मस्तानी पैटर्न है, यदि इसी पैटर्न से हमें राजलक्ष्मी पैटर्न बना लेना है तो बस इसे निकालना है पिन को, और यूँ फोल्ड कर दी हमने बॉर्डर, और पीछे की ओर से पिन लगा लेनी है। अब ये वाली इस प्लेट को भी हमें उठाना है, अंदर की ओर की पिन हटा लेनी है और इस तरह से फोल्ड करते हुए पीछे की ओर से कोल्हापुरी मस्तानी पैटर्न रेडी हो गया है। सभी प्लीटों में अंतर बराबर आए इस बात का ध्यान रखना है। और ये राजलक्ष्मी पैटर्न की साड़ी हमने महालक्ष्मी को, गौरी को पहना दी है।